स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दीपोत्सव पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया दीप प्रज्वलन। हमीरपुर जिले में दीपावली की पूर्व संध्या पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने यमुना तट पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यमुना नदी की आरती कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यमुना तट बंद पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम कई वर्षों से बराबर चला रहा है। कार्यक्रम में जिले के विधायक SPDM सहित स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल हुए। हमीरपुर संवाददाता चमन अली की रिपोर्ट। भारतवर्ष का सबसे सर्वोत्कृष्ट महापर्व जिसको हम दीपोत्सव मानते हैं, कल दीपावली है, पूरे विश्व में और पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। यमुना जी का पावन तट है और कलौवेदवती गंगा जिसको बोलते हैं, उधर बेतवा जी हैं, दोनों के मध्य में बसा हुआ यह हमीर देव की नगरी हमीरपुर है। क्योंकि मेरा यहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि जन्म से लेकर के सब कुछ यहीं से है, तो दिवाली के पहले मैं यहाँ आती हूँ और सारे कार्यकर्ताओं से मिलती हूँ। और ये दीपदान जो होता है, भाई कुलदीप जी चेयरमैन हैं, वो लगातार बराबर करवा रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि कुलदीप जी के कारण गंगा यमुना जी और बेतवा का तट एक सुंदर हो गया, दर्शनीय हो गया, रमणीक हो गया। आज मैं दिवाली के पावन अवसर पर सबको बधाई देने आई हूँ, पूरे देश के लोगों को और इस परंपरा के मानने वाले सभी